नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतराज डुमराव टीवी का मालिक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के बाद अगर अर्थमेटिक में दिक्कत हो गया ना तो अपना नाम बदल देना, नहीं मेरा नाम बदल देना, समझ रहे हो ना। अगर अर्थमेटिक में दिक्कत हो गया तो पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखो। अगर जितने भी लोग मिश्रित हो चुके हो, एकदम नहीं समझ में आ रहा कि कहां से क्या करें, पूरा का पूरा वीडियो देखो और मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अगर कोई भी आप में से ऐसा है जो एकदम जिसका बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम बहुत अर्थमेटिक एकदम पूरा कॉन्सेप्ट सब सीख लिया, अपना प्रैक्टिस कर रहा है, तो शांति से वहीं करना, ठीक है। ये सुन करके कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए जो बहुत ही परेशान हो गए कि 40-45 दिन में अब एग्जाम में रह गया है, कैसे प्री के लिए हम मैथ पढ़ेगा, कैसे अच्छा करें, ठीक है। और स्पेशली अर्थमेटिक की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर देखो लॉजिकली आज हम सोचेंगे यार मैथ कैसे डरा देता है भाई, अर्थमेटिक वो भी अर्थमेटिक यार, 2 कोड़ी का भी चीज नहीं अर्थमेटिक यार, सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमको कुछ बोलना मत कि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, भाई साहब 50 में 50 भी आया है मैथ में, मेंस में 180 नंबर आया है, ठीक है। वो बात अलग है कि मेहनत तो अभी और ज्यादा करेंगे तो 200 में 200 भी आ जाएगा, वो बात अलग है कि नहीं पढ़ने का उतना मन करता है, ठीक है। देखो अगर हमसे पूछोगे कि मैंने अर्थमेटिक कहां से किया है और अर्थमेटिक के लिए मैं क्या प्रायोरिटी दूंगा, हम कभी भी ना उनमें से नहीं है ना कि बहुत ही ज्यादा पेड कोर्स ले लो और 20-20 को एक को वीडियो का 30-30 को 20-20 को 10-10 को पार्ट करते रहो, ठीक है। हम थोड़ा है इंसान लेजी, ठीक है। हमको चाहिए कम चीजों में ज्यादा बेनिफिट कैसे निकाले, आर यू गेटिंग मी पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, कि कम चीज पढ़ करके हम उसे ज्यादा कैसे हम निकाल लें, ठीक है। हमने जब अर्थमेटिक शुरू किया था तो मेरे साथ भी खिचड़ा खिचड़ी चल रहा था, वही कभी ये कभी वो, बार बार चैप्टर कभी मैंने सब भूल भी जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम भी आप लोग की तरह भटके हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, हाइयो सोर्स कर लो हाउ सोर्स कर लो, लेकिन जब लाइफ में स्थिर हो गए, स्थिरता आ गई मेरे लाइफ में, तो एक वो सोर्स उठाए थे और उसको पूरा का पूरा हम फॉलो किए थे मेरे भाई, ठीक है। और मेरे लाइफ में जब स्थिरता आई थी ना तो ऐसा आई थी कि अब लाइक अब यूट्यूब पे हम गए, उस समय हमको पेड कोर्स का कोई आइडिया नहीं था, हमको लग रहा था कि पेड कोर्स हम जैसे लोगों के लिए होता ही नहीं है, वो शायद बहुत ही मैंने जो वेल्दी होते हैं वो लोग एफोर्ड करते हैं, मेरे दिमाग में यही चल रहा था, पेड कोर्स के प्रति यही इमेज था, ठीक है। हमने अपना मिश्रित ढंग से पढ़ा हुआ था। अब अर्थमेटिक में हमको पता नहीं कहीं से शायद भूतेश सर का कोई वीडियो देखे होंगे कि क्या उसमें इस किताब का जिक्र था, राकेश यादव क्लास नोट्स, ठीक है। ये किताब हम शांति से अपने घर पर लेकर के आए थे और यही वो किताब है जिसने मेरे अर्थमेटिक में ना जान डाला है। क्या डाला है मेरे भाई? जान डाला है, ठीक है। इस किताब को ऐसे हमारे लिए तो देखो जब हम बिगिनर थे ना तो थोड़ा सा समझना मुश्किल था कि फ्रैक्शन ये जो वैल्यू होता है ना मुश्किल था। एक वो यूट्यूब पे चैनल आता है लर्न विद स्टडी, हम तो हम ढूंढने में माहिर हैं, राकेश यादव क्लास नोट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक वो लर्न विद स्टडी आया चैनल है, भाई भाई बहुत बंदा यार मेहनत किए हैं जो भी हैं आप, नाम तो हमको नहीं मालूम है। शांति से हम क्या किए ना कि उनका देखते थे और वो भी समझाने का अपना कोशिश किए हैं, हम अपना आराम से समझते चलते थे, ठीक है। तो अब हमको पता चलता था कि हाँ लाइफ में फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन से मैथमेटिक्स को कैसे डील किया जाता है। हम बेवकूफ इंसान नहीं थे कि हाई रट लेंगे, राकेश यादव का हाई सॉल्यूशन ऐसे बने हम रट लेंगे, ऐसा मेरा वो नहीं था काम। जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो अपने लाइफ में अर्थमेटिक पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि सामने से अगर तुमसे अगर कोई 2 क्वेश्चन कर दे कि हाई स्टेप के बाद हाई स्टेप कैसे आया है तो तुमको जवाब देने का औकात होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करने लग जाओ, भूल जाओ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अर्थमेटिक रटने से नहीं होता, अर्थमेटिक को सीखने से होता है कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये इतना बोला तो हम कैसे चले, ऐसे अर्थमेटिक सीखा जाता है, ठीक है। और फिर अर्थमेटिक का बाप भी बनेगा, समझ रहे हो ना। इतना ज्यादा स्तर पे मत चढ़ाओ कि बहुत ज्यादा टफ है। एडवांस पे हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर के ये वाला वीडियो देख लेना पूरा का पूरा, समझ गए। तो राकेश यादव सर ये जो देखो, ये तो पहली बात, ये जो किताब लिखे है ना मेरे भाई, आज भी इनसे बहुत प्यार है हमको, ठीक है। ये जो किताब लिखे हैं दूरदर्शिता के साथ लिखे हैं इनको, ये TCS से पहले का लिखा गया किताब है, लेकिन आज जितना भी तुम इतिहास उठा करके देख लोगे ना पूरा मैथ में, तो इनका ये वाला मेथड चारों तरफ तुमको दिखाई देगा, यूज होता हुआ दिखाई देता है। फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज होता है ये सब, मतलब यार क्या बताएं हम, ठीक है। मैथ में तो ये वो तुमको इतना तो सीख जाओगे कि मैथ शॉर्ट कैसे बनता है, ठीक है। और शॉर्ट में ये नहीं ट्रिक व्रिक नहीं डील किए हैं, ट्रिक हम नहीं मानते इस किताब को, इस किताब को हम मानते हैं कि एक ऐसा अप्रोच जो कि एकदम सीधा हो, सटीक हो, सरल हो, ठीक है। मानते हैं आप लोग का बेसिक क्लियर है, मानते हैं कि सब कुछ है। अगर एक बार अगर मान लो कि अगर भटक रहे हो 40 दिन है, अगर 45 दिन हम इस किताब से देखो, एक और सच्चाई हम बता दे रहे हैं कि इस किताब से ना भाई साहब हम केवल अर्थमेटिक किए हैं, ठीक है। हमको एडवांस शुरू में रियलाइज हो गया था कि हमसे एडवांस इसका होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा में पता ना शायद प्रूफ प्रूफ नहीं होगा, इसीलिए हम एडवांस नहीं किए हैं। नंबर सिस्टम किए हैं एडवांस वाले सेक्शन में, SCF LCM किए हैं, ठीक है। और क्या किए हैं मेरे दोस्त, त्रिकोणमिति ऊपर ऊपर से पढ़े हैं। बाकी एडवांस के लिए हम अपना अभिनय सर को फॉलो किए थे और पवन राव सर को फॉलो किए थे,
अब देखो अर्थमेटिक में 12 को चैप्टर है, 12 अगर एक को चैप्टर तुम 3-3 दिन में खत्म कर रहे हो बढ़िया से, तो 36 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप पढ़ना तो ऐसे पढ़ना कि समझाने का कैपेसिटी होना चाहिए। हाई जैसे हम काम और समय लेकर के बैठते थे ना, तो ध्यान से एकदम एक होता है ना कि गहन अध्ययन, कि एक एक स्टेप ही कैसे चल रहा है, आखिर है क्या, फ्रैक्शन क्यों हो रहा है, कैसे काम कर रहा, हम ऐसे सीखे थे। तो काम और समय को हम 3-3 बार अगर 4-4 बार मेरे भाई अगर बना लेते थे ना एक बार में, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। अब हम प्रैक्टिस की तरह भागते थे। प्रैक्टिस के लिए देखो एक बात हम और बता दे रहे हैं कि अगर तुम मैथ में आ रहे हो, मैथ तुम बना रहे हो, तो लास्ट 4 साल का बनाओ, ठीक है। लास्ट 4 साल का अगर कोई भी किताब है, जैसे कि अगर कौन कौन सा किताब होता है मार्केट में, किरण पब्लिकेशन, राकेश यादव पब्लिकेशन, पिनाकल का, चाहे गगन सर का कोई नया वाला बुक आया है, लास्ट 4 साल का ही मैथ आप बनाओ, समझ रहे हो ना। अब वो बुक में ढूंढो, अगर राकेश यादव खरीद लो तो ढूंढो उसमें लास्ट 4 साल का कहां दिया हुआ है, ठीक है। मैथ में पहले क्वेश्चन इजी आता था, अब क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का, कैलकुलेटिव टाइप का अब आ रहा है, तो हम लेटेस्ट ना देखेंगे जी। आप खुद से सोच करके बताओ हमको यार भाई साहब, लेटेस्ट बनाओ, काहे ला पुरान का बनाओगे, बाद में बना लेना, पहले लेटेस्ट बनाओ, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि काम और समय हम हो गया पढ़ लिए, शांति से हम जा गए, किताब उठाएं और किताब उठा के अपना बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। प्रैक्टिस वाला मतलब देखे कि टाइम एंड वर्क का 280 को क्वेश्चन है, अपना लग गए, क्वेश्चन फंसता था तो दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, जब तक नहीं बनता था कि कहाँ पे आखिर कौन सा ऐसा लाइन है जो हम मिस कर रहे हैं। तो इतना अगर सोचने का काबिलियत अगर ढाल लोगे अगर 40 दिन में, तो प्री आराम से प्री में अच्छा करोगे, और मेंस के लिए भी आपका नॉलेज जो होगा वो इन्हांस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है ना बात, ठीक है। तो अर्थमेटिक में खाली रट्टा मार के मत चलो, एक एक तुमको लाइन रेगुलेशन पता, रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए, कैसे एक एक लाइन आगे बढ़ता है, हम कौन कहाँ कैसे यहाँ पे कौन सा अप्रोच हम लगाएंगे, ऐसे सीखा जाता है अर्थमेटिक, तब अर्थमेटिक ईजी लगेगा, ठीक है। एक और की क्वेरी होती है ना कि भाई साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, बनता ही नहीं है, तब तक उसको कोशिश करो कि जब तक तुमसे वो बन नहीं जाए, ठीक है। मानते कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दियो, अगर नहीं बन रहा है तब जाकर के किसी टेलीग्राम ग्रुप में या फिर किसी ग्रुप में जाकर के पूछो, ठीक है। और तब जाकर के रियलाइज करो कि हाँ हम यहाँ पे मार खा रहे थे, समझे मेरे भाई, तब जाके देखो। और शुरू में बेचैन मत हो जाओ जब प्रैक्टिस करने जा रहे हो कि हम यहाँ से पढ़ लिए 4-4 बार, अब तो क्वेश्चन बनेगा, तो जादू होगा जादू होगा, नहीं, तुम टाइम दोगे वहां पर, तुमको 5 दिन भी लग सकता है, 7 दिन भी लग सकता है शुरू में, तब जाकर के जब गिव अप नहीं करोगे अगर इस पॉइंट पे, तब जाकर के माइंड बोल देगा कि हाँ भैया अब तुम जीत गए हो, गलत कह रहे तो बोलो, बोलो गलत कह रहे तो बोलो। तो यार इस CISI इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं, पहले हम CISI फॉर्मूला पे लगाते थे, ये वो पूरा ये फालतू फालतू चीज करते थे, फ्रैक्शन पिनों ने इतना बड़ा बढ़िया से बता दिया यार कि 10% का अगर 2 साल का है तो 10 से 11 100 से 100 यानी कि 21% बढ़ गया, मतलब सोच। अब ये इसका देखो थोड़ा सा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उससे भी हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, शुरू में थोड़ा एफर्ट लगेगा दोस्त। लर्न विद स्टडी चैनल है, नहीं तो और भी राकेश यादव का सोल्यूशन करवाए हैं लोग, हम ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, समझ रहे हो ना मेरे दोस्त। और इसके अलावा अगर मालूम नहीं करने का मन है, एकदम परेशान हो गए इस किताब से, समझ में नहीं आ रहा है, और अरे अभिनय सर का 2.0 वाला अभी चालू किए हैं, जा करके उनसे नॉलेज लो ना, अभिनय सर का 2.0 उसको कम पावरफुल मत समझना, अभिनय सर भी बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं। जैसे इसमें है ये सब है ना कि एक ट्रेन आता है 10 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ये सब हमको समझ में नहीं आता था। उनका एक राधा श्याम वाला कॉन्सेप्ट था कि राधा श्याम ऐसे चले, मिलने के बाद एक दूसरे पे इस समय पे पहुंचे, तो हम अभिनय सर को भी फॉलो करे हुए हैं, अगर जैसे टाइम एंड डिस्टेंस मेरा फंसा है तो कुछ कुछ जाकर के वहां से कॉन्सेप्ट सीख लेते थे। चलाकी और समझदारी इसी में है, जब आप अपना दिमाग चलाओगे, समझ रहे हो, अपना दिमाग चलाओ ना मेरे भाई, परेशानी होने में कुछ नहीं रखा है, रोते रहने में कुछ नहीं रखा है, करोगे तो सीखोगे, ठीक है। अभिनय सर को भी हम हीरो मानते हैं, कंफ्यूज्ड मत हो जाना, जो तुम्हारा यार स्वेच्छा करे ना आओ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, हम बहुत लिंक वहां पे प्रोवाइड करा देंगे, जो जो हमको लगता है कि यहां से आपको थ्योरी सीख लेना चाहिए, ठीक है। अब बाकी अगर हर किताब अपने लाइफ में कभी भी करके जाना, कभी भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो इस किताब को हम पक्का एक बार रिवाइज करते हैं, ये शॉर्ट नोट से, कैसे नीतू मैम का इंग्लिश में Volume 1 है, उसी तरह हम राकेश यादव सर को मानते हैं, ठीक है, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, आज काफी टाइम बाद इनका तारीफ किए हैं, राकेश सर कभी आपसे बात जरूर करेंगे हम, ठीक है। और बाकी अपना पढ़ाई करो मेरे भाई, कभी भी लाइफ में टेंशन मत लेना, ठीक है, और अर्थमेटिक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो भाई साहब आप तो हमसे भी तेज, हम तो हम कहाँ यार, चलो बंद करो।